नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है लड़की पैदा होने पर जुम क्यों, एक्सप्लेन बाय मौलाना जजीस अंसारी। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कहती है अपनी बहू से, तीन लड़कियां हो गई, अब लड़का नहीं हुआ तो तलाक। रियलिटी है भाई, रियलिटी है। वो सास नहीं, वो चुड़ैल है जो अपनी बहू से ऐसे बोले। वो डाइन है। लड़का भी कह देता है, क्या कहता है, ए अपनी बीवी से तीन लड़कियां हो चुकी हैं, अब चौथा लड़का होना चाहिए। अबे पागल, उससे क्यों कह रहा तू। डॉक्टर जाकिर नायक की किताब पढ़िए। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका औरत के बतन और रहम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डिपेंड करता है मर्द की मनी पर। मर्द की मनी पर इतने इतने जरासीम अगर पाए जाएंगे तो लड़का होगा, और लड़के के अंदर इतने इतने जरासीम पाए जाएंगे तो लड़की होगी, उसकी स्पीड इतनी होगी तो लड़का होगा, स्पीड इतनी होगी तो लड़की होगी। ये डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। लड़की से, मां से, औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लड़का मिलने के बाद कहता है कि अपनी बीवी से लड़की होनी चाहिए और लड़की लड़का होना चाहिए और लड़की हुई और डांट रहा है तो उस औरत का कसूर नहीं है, डांट का हकदार तो तू है। अबे कमीने, गलती तेरी, तो उसको क्यों कह रहा। समाज के लोग पंचायतें जब बिठाएं तो उसमें उस लड़की की सास को डांटें, अम्मा कब्र में पैर लटके हैं, और इस तरीके से बोल रही हो अपनी बहू को। फजाला मिन हुज़ौजैन इज़्ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया, लड़की भी बना दी, जो उसको पसंद आया उसने जो बेहतर समझा वो रहम मादर में बना दिया पैदा औरत के पेट में। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, आए मेरे बंदो, मैं सर बना सकता हूँ, मैं दिमाग बना सकता हूँ, मैं आँख बना सकता हूँ, मैं कान बना सकता हूँ, सुनने की ताकत दे सकता हूँ, सोचने के लिए दिमाग बना दे सकता हूँ, चलने के लिए पैर बना सकता हूँ। तेरी माँ खाना खा रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी, अपने मायके जा रही थी, वो रास्ते में चल रही थी, लेकिन मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। ओ मेरे बंदो, जब मैं माँ के पेट में ये सब बना सकता हूँ, कर सकता हूँ और तुझे बाहर निकाल सकता हूँ, तो आए मेरे बंदो तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा पैदा नहीं, मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता, क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता। नस्ल इंसानी को चलाने के लिए यही पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए दुनिया में ये नस्ल कभी रुके नहीं, उस नस्ल को बरकरार रखने के लिए फजाला मिन हुज़ौजैन इज़्ज़कर वल उन्सा, अपने उसी माँ के पेट के अंदर नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये मैं ही कर सकता हूं, अल्लाह ताला कह रहा है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको लड़का पैदा करने की दवा दे दे। इन नींव हकीमों से बचे रहना जो लिखते लड़का चाहिए तो हमारे पास आए। इन्होंने कारखाने खोल रखे हैं क्या। और जिन और एक बात आपको बता दूं, सुनिएगा, गौर करिएगा, जिन हकीमों ने ये इश्तिहार लगा रखा है शर्तिया लड़का ही होगा, आप उनके घर का पता लगाना, उनके घर में सबसे ज्यादा लड़कियां ही होगी। अपने यहां तो वो लड़के पैदा कर नहीं सके, पर आपको लड़का होने की दवा दे रहे हैं, लड़का होगा। ये है ही नहीं, सिस्टम में दाखिल नहीं है, ये आपके मनी पर डिपेंड करता है कि वो लड़के को पैदा बना सक पैदा कर सकती है लड़की, इसमें औरत का भी कोई दखल नहीं है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी,
मौत पर एक आयत पढ़ दी, मौत के बाद मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये होना है। अब दोबारा जिंदगी के बाद सुनिए मेरे प्यारे साथियों, अभी जन्नत और जहन्नम नहीं मिली, अब कयामत का मंजर है, और ये वो कयामत का मंजर है। आए हाय, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबाए किराम कहते हैं अय अल्लाह के नबी, आपकी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी लग रही है, आपकी उम्र अभी 50-55 साल है और आप लग रहे हैं जैसे 70-80 साल के हो गए हो, सारे बाल आपके सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल आपके पक गए, कबल अज वक्त बुढ़ापा कैसे आ गया। अय अल्लाह के नबी, आपकी उम्र में इतनी नहीं हुई जितनी दिखाई दे रही है, वक्त से पहले बुढ़ापा कैसे आपको दिखा, आपके ऊपर आ गया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर आज किसी से पूछा जाए भाई साहब क्या हुआ बड़ी जल्दी बाल सफेद हो गए तुम्हारे, अरे मौलाना पूछो नहीं, चार चार बेटियां हैं, सबकी शादी का टेंशन है हम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे भी टेंशन है, लेकिन आई मेरे साथियों, मुझे मेरी भी चार बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे चार बेटियों की शादी के टेंशन से हमने बूढ़ा नहीं किया है। आपका जवाब क्या था, हाँ मेरे बाल वक्त से पहले पक गए हैं, मैं वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगा हूँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे साथियों, मुझे सूरह कयामत ने कयामत से और उसके आजाब कयामत की हौलनाकियों से भरी हुई सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों को मैं पढ़ता हूँ, कयामत की फिक्र हो जाती है, कयामत के टेंशन ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, कयामत की फिक्र ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। आज हमें कयामत के टेंशन से बुढ़ापा नहीं आता, अजाब कब्र के टेंशन से बुढ़ापा नहीं आता, जहन्नम के अजाब को सोचकर बुढ़ापा नहीं आता, बेटियों की शादी की फिक्र में बूढ़ा कर देती है, बेटा शराबी है उसका टेंशन मुझे बूढ़ा कर देता है, मेरा बेटा शराबी, मेरा बेटा जुआरी, हाय मेरे कौम के जवानों, कितना रुलाओगे अपने माँ बाप को, ये तुम्हारे माँ बाप है, जब तक तुम रात के 12 या 1 बजे तक बाहर रहते हो, जब घर पे आते हो तुम समझते हो मेरी माँ सो गई होगी, तुम समझते हो कि मेरे बाप सो गए होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप उस वक्त तक नहीं सोते जब तक कि तुम खैर वाफियत से घर ना आ जाओ। मेरे नौकौम के जवानों, अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर इतना बोझ मत डालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी चीज के लिए दुआ अपने अल्फाजों में मांगने की इजाजत दी है, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे ये तुम मांग सकते हो, अल्लाह मेरी बेटी जवान है उसके लिए नेक लड़का दे ये तुम अपने अल्फाजों में मांग सकते हो, लेकिन माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह ताला ने खुद दुआ सिखलाई है, अरे मेरे बंदो, अपने माँ बाप के लिए तुम जब भी दुआ मांगो तो तुम अपने अल्फाजों में नहीं बल्कि मेरी सिखाई हुई दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अरे हमारे रब हम दोनों पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया है। माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए दुआ आसमान से उतारी है, कुरान में नाजिल फरमाई है, फरमाया अपने माँ बाप के लिए इन अल्फाजों में दुआ मांगो जो मैं तुम्हें सिखला रहा हूँ। इतना बड़ा मकाम फिर तुम्हारे जमीर कैसे गवारा कर लेते, रात के 12-12 1-1 बजे तक तुम घरों से बाहर रहते हो, तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, तुम्हारी बीवियां शिकायत, ये देखो बूढ़ों मियां कहां जा रहे हैं पता नहीं, उठ उठ के भाग रहे हैं, अब कहां जा रहे हो, बुढ़ियां तो सो गई होंगी, क्या करोगे वहां जाके, यहीं बैठ बैठिए आप लोग भाई। अब बताइए रात 4 बजने जा रहे हैं, 8 मिनट रह गए, अब भाग रहे हैं, अब किसी काम के रह गए, अब घर में जाके जिहाद याद कर पाएंगे बेचारे, किसी काम के, मेरे बैठ जाइए भाई आप लोग खामोश रहिए।
वैसे भाई देखा जाए तो जो मौलाना जैसे सारी उन्होंने मतलब एक तरह से मतलब रियलिटी बताई है लाइफ की, मतलब जो भी मतलब जैसे कोई भी मतलब वो लड़की पैदा हो जाती है तो वो कहते रहते हैं भाई लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ, ये हुआ, उस पर प्रेशर डालते रहते हैं औरत पे। हाँ बेचारी एक औरत कितना दर्द सहती है, कितना पीड़ा सहती है, हाँ जो कि मतलब कि बच्चा पैदा करने में जैसे कि कहते हैं कि हाँ 150 हड्डी टूटने का दर्द, कितनी हड्डी हाँ टूटने का दर्द होता है, उतनी पीड़ा सहती है, और फिर भी हम उसे ये कहते हैं कि आपने बेटी क्यों पैदा करी, हाँ लड़का पैदा, हमें लड़का चाहिए, और 3 बेटी होने के बाद भी चौथा मतलब कि हर साल वो कितनी पीड़ा सहती है, और फिर भी हम उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। हाँ और आज की अगर मेंटेलिटी देखे तो यही है कि मतलब ये है कि हर घर में लड़का तो होना ही चाहिए, मतलब ये है कि कोई भी लड़की को देख के कोई राजी नहीं है आज के टाइम पर। आज के टाइम पे भी मतलब ये भी है कि मतलब अगर 3 4 लड़की हो गई तो अब यूँ कहते हैं कि भाई हाँ अगला लड़का ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, यूँ भी कोई नहीं यूँ नहीं बोलता कि हाँ कि हमारे घर पर लड़की ही होनी चाहिए। हाँ मतलब वो तो ये सोचते हैं कि हमारे घर का वारिस सही है कि जो हमारा मतलब हाँ वंश आगे बढ़ा बड़ा सके, सके। और जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा करते हैं, लड़कियों को तो बस एक तरह का बोझ मानते हैं, जैसे कि अब ये लड़की हो गई हो, अब मुझे इनकी शादी करनी पड़ेगी, जी ये, मगर ये नहीं देखते कि लड़की भी अब हम बेटे की तरह हमारा साथ दे सकता है जीवन भर, और हमें मतलब कि शुभ जो हमें जो बेटा जो अपेक्षा करते हैं, जो बेटे से हमें मिल सकता है, वो हमें बेटी से भी मिल सकता है। हाँ वैसे देखा जाए तो आज का जो मॉडर्न मतलब टाइम है, मतलब कि जैसे मतलब देश तरक्की कर रहा है वैसे भी आप लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी चेंज भी होती जा रही है। मतलब अभी जो जितनी भी इक्वलिटी है मतलब वो लड़का लड़की में समानता ही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जितनी मतलब जैसे वैल्यू है इक्वलिटी लड़के को दे रखी है वैसे उतनी ही इक्वलिटी मतलब लड़कियों को भी दे रखी है। हाँ आज के समाज में आप कहीं से ले जाओ, मतलब कि अदर कंट्री में चले जाओ या अपनी कंट्री की बात ले लो, लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, और कई हाँ कंपटीशन में किसी चीज़ में लड़कों से 10 गुना आगे ज़्यादा रहती हैं, चाहे हाँ आप किसी भी कंपैरिजन में ला दो, मतलब कि पढ़ाई में, लिखाई में, खेल कूद हाँ में, इन लड़कियाँ काफ़ी नाम रोशन कर रही हैं हमारे देश का, काफ़ी तरक्की मतलब कि, हाँ और कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि भेदभाव की ये लड़का है हाँ लड़कियाँ, ऐसा हमें नहीं करना हाँ चाहिए। वैसे आज के टाइम पे देखा जाए दोनों को इक्वली मानते हैं, जो दोनों की मतलब जो दोनों की तरफ से जो राइट्स है वो भी इक्वली है। और मतलब बात देखा जाए तो मतलब आज के टाइम पे तो जो लड़की है वो लड़कों से आगे निकल रही है, और काफी खास बात है, मतलब काफी मतलब एक तरह से देखो तो गर्व वाली बात है ये। हाँ लड़के आगे बढ़ चढ़ कर कदम आगे का साथ हाँ साथ बिना आगे चलते हैं अपने पिताजी का, और कभी काफ़ी सारे कामों में हाँ अपने हाथ बटाते हैं, जो जैसे काम जो मतलब कि लड़के नहीं कर पाते लड़कियाँ कहती हाँ हैं, पर हम यूँ भी नहीं कहना चाहते कि लड़के ही बुरे होते हैं, मगर हाँ लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कों के हाँ उनको अलग से उनको जैसे कि लड़कियों को फिजिकल टेंशन, जैसे लड़कों को मेंटली मेंटल टेंशन लेनी टेंशन पड़ती है कि आगे जाके भविष्य में मेरा क्या होगा नहीं होगा, लड़कों को भी मतलब कि बहुत टेंशनों का मतलब कि सामना करना सामना पड़ता पड़ता। है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।